आइए बच्चों, अब हम आपको सेवन्थ क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं, एक गिफ्ट चप्पल्स की। आइए देखते हैं, ये इसमें दो पार्ट्स हैं। अभी इसको दो पार्ट्स में ही करेंगे हम, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। आइए देखते हैं। ए स्माइलिंग, एक मुस्कुराहट, रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग करते हुए रुक्कुमनी ने झटके से दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना बाहर भागे। एंड रवि पुल्ड, और रवि ने खींचा मृदु को इन टू द हाउस, घर के अंदर। वेट, इंतज़ार करो, लेट मी टेक ऑफ माई चप्पल्स, मुझे अपनी चप्पल्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। सी सेट देम आउट, उसने उन्हें बाहर रखा नीटली, सफाई से, नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, एक जोड़ा वहाँ पे काली चप्पल रखी होंगी वहाँ पे रख दिया। दोज वर ग्रे, जबकि वे थी ग्रे, उसकी जो अपनी थी एक्चुअली विद डस्ट की वजह से ग्रे हो गई थी, धूल लग जाती है तो ग्रे ग्रे कलर की लगती है। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, द क्लियर मार्क, जो निशान थे ऑफ एवरी टो, वहाँ पे जो चप्पल रखी थी उसमें टो के निशान थे, पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं उनके निशान थे। ऑन द फ्रंट पार्ट, सामने के हिस्से पे, ऑफ ईच स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के जो वहाँ रखी हुई थी। द मार्क्स, जो निशान थे, फॉर द टू बिग टोज, जो बड़े टोज के थे, जो अंगूठों के निशान थे, वर लॉन्ग, लंबे थे, एंड स्कर्वी, और स्कर्नी मीन्स दुबले पतले, स्क्रवनी मीन्स दुबले पतले। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम, मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था टू वंडर अबाउट, आश्चर्य करने के लिए इधर उधर, हुज स्लीपर्स देवर, कि ये किसके स्लीपर्स थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर, क्योंकि रवि ने उसे घसीट लिया था हर टू द बैक यार्ड, और उसे बैक यार्ड में ले गया, पीछे आंगन में। बिहाइंड ए थिक बिटर, बिहाइंड मीन्स पीछे, ए थिक, एक घनी बिटर बेरी होती है, एक सरस फल होते हैं, उसके पीछे ले गया, बुश जो झाड़ी थी। देर वहाँ, इनसाइड, अंदर, ए टोर्न फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल थी, लाइंड विद सेकिंग, जो थोड़ी सेकिंग लटकी हुई सी थी, एंड फिल्ड विद सैंड, और रेत से भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर एक किटन, बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लैपिंग अप मीन्स पीना, पीते हुए, लप लप करके पीते हैं ना जो, मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, एक कोकोनट के आधे कटे हुए सेल, एक जैसे खोपड़ी जैसा दिखता है ना कोकोनट, उस सेल, खोल कहते हैं उसे, उस खोल में से पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, हमने इसे पाया गेट के बाहर। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ही वाज म्यूइंग, वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था, एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, बेचारा, सैड मीना ने कहा। इट इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है, अम्मा कहती है, पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू, जो पाती है, जो दादी को वे पाती कहते हैं वहां पे तमिल भाषा में, वह छोड़ेगी हमारे पद्दू के लिए, पद्दू मामा जाऊस, पद्दू मामा के घर। इफ सी नोज, यदि उसे पता चल जाएगा, वी हैव ए कैट, कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमें हमेशा बताते रहते हैं, टू बी काइंड, दयालु होने के लिए, टू एनिमल्स, जानवर के लिए। बट वैन वी आर, जब हम सचमुच में दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, वे चीखते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर, मत लाओ उस गंदे जीव को हियर, यहाँ। सैड रवि ने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज, यह कितना कठिन है, जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, दूध लाना, थोड़ा सा दूध लाना, फ्रॉम द किचन से। पाती शामी, पाती ने मुझे देखा विद ए ग्लास, एक ग्लास के साथ,
इन माई हैंड, जो मेरे हाथ में था जस्ट नाउ, अभी। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, आई एम वेरी हंग्री, कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, लेकिन जो जो तरीका था जिसे वो मेरी तरफ देख रही थी, हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादातर दूध। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ताकि उसको पता ना चले, वो समझ ना पाए इसको, ये मतलब है इसका। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, फिर पाती चाहती थी कि टम्बलर मैं वापस दे दूँ उसे। टम्बलर मीन्स ग्लास। पाती पाती, फिर मैंने कहा पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं इसे खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। एंड पुअर, और उड़ेलना पड़ा, पुअर मीन्स उड़ेलना। द मिल्क, दूध को। इन टू दिस कोकोनट सेल, इस नारियल के खोखे में, खोखा कहो या खोल को। एंड देन रन बैक, फिर मुझे तेजी से वापस जाना पड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, टम्बलर को, ग्लास को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक, और वापस रखना पड़ा। बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उसे संकालु होती, वह सस्पिशियस होती। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमें सोचना है, ऑफ सम अदर वे, दूसरे तरीके के बारे में। टू फीड, खिलाने के लिए। महेंद्रन, महेंद्रन को। महेंद्रन, दिस लिटिल किट्टीज नेम, ये जो छोटा बिल्ली है इसका नाम क्या है, महेंद्रन। इज महेंद्रन, मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु है जो प्रभावित हुई। इट वाज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी कैट नेम, एक क्यूट सा आकर्षक था किट्टी कैट नेम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज, वास्तव में इसका जो पूरा नाम है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, जो बिल्ली का बच्चा है इसका नाम, MP पुन्नई कह सकते हैं हम, फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में, इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो। ही इज ए फाइन ब्रीड, यह एक अच्छी नस्ल का ऑफ कैट, ये बिल्ली है जो अच्छी नस्ल की है, मतलब फीमेल बिल्ली नहीं है ये, बिलोटा कहते हैं जिसे, या बिलोटना, अच्छी नस्ल का, ब्रीड मीन्स नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, जो ये रोए से निकले हैं, लाइक लाइन्स मैन, ऐसे जैसे लाइन की मेन में होते, गर्दन होती है ना चबरेली सी, उसमें बाल होते हैं बहुत सारे शेर के। एंड यू नो, और तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम, कि ये एम्बलम किस चीज़ का, एम्बलम मीन्स प्रतीक, ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स, जो पल्लव राजा होते थे उनका प्रतीक है। वाज, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। ही लुकड, उसने देखा, एक्सपेक्टेंटली, जिज्ञासा पूर्वक, एट मृदु, मृदु की तरफ, मृदु गिगल्ड, और मृदु गुदगुदा, यानी ही करके हंसने लगी। थिंक, सोचो, आई एम जोकिंग, कि मैं मजाक कर रही हूँ। वेल, जस्ट वेट, इंतजार करो, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सम टाइम, कभी कभार, कभी किसी समय। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई। हैव यू, क्या गई हो। ही सैड, उसने कहा, मिस्टीरियसली, रहस्यमय ढंग से। वेल, वैन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास गई थी महाबलीपुरम, आई शाह स्टैचू, मैंने वहाँ एक स्टैचू देखी, मूर्ति देखी। ओ फिज थाथाज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी वहाँ दादा को बोलते थे, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के, ऐसे देखी मैंने। फैक्ट इज, सच्चाई ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड, ये एक उत्तराधिकारी है, डिसेंडेड मीन्स वंशज या उत्तराधिकारी, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, उसी एंशियंट प्राचीन कैट की, ये जो बच्चा है बिल्ली का, ये उसका उत्तराधिकारी है। एक क्लोज रिलेटिव, एक नज़दीकी रिलेटिव है, संबंधी है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से स्पीकिंग, बोलते हुए, ऑफ नन अदर देन द लायन, मतलब लायन से अलग नहीं है, द पल्लवा लायन, पल्लव थे जो
उनका जो लायन था, एम्बलम था, एक प्रतीक था ऑफ द पल्लवा, पल्लवा डायनेस्टी का, पल्लवा का जो साम्राज्य कहो या डायनेस्टी को, साम्राज्य कहो या राजवंश को, रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया, वॉकिंग चलते हुए अराउंड द बिटरबेरी बुश, जो बिटरबेरी बुश है उसके पास से, वेविंग हिलाते हुए ए ट्विग, एक शाखा को, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में जैसे चिंगारी सी आ रही थी, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, यह जो बिल्ली का बच्चा है एक उत्तराधिकारी है, डिसेंडेंट है ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की ऋषि कैट का, एक ऋषि होगा उसके पास कोई बिल्ली होगी, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स, वे बिल्लियों की पूजा करते थे, इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में, हाउ ही लव्ड द साउंड, उसको कितनी अच्छी आवाज लगी, ऑफ हिज ओन वॉइस, उसकी जो अपनी आवाज है, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, उन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज लुक किया, मतलब देखा एक दूसरे को, वट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, उसका किसी और से क्या मतलब, मृदु डिमांडेड, मृदु ने मांग की, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ, दिस कैट इज डिसेंडेंट, दिस कैट इज डिसेंडेड, ये डिसेंडेड है मतलब उत्तराधिकारी है, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो मिस्र की कैट गॉड है, नो नहीं, गोडेस बास्टेट, फिर उसने कहा नहीं, गोडेस जो देवी बास्टेट है उसकी प्रतीक है, या दैट इज इट, बस यही है, सो तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स, एक जो उत्तराधिकारी है ऑफ दैट कैट गोडेस, जो वो गोडेस है बिल्ली, वाज ए स्टोवे, उसको स्टोवे किया गया था, मतलब छुपाया गया था, स्टोवे मीन्स यात्रा के लिए छुपाना, इसको स्टोवे बोलते हैं, इन वन ऑफ द पल्लवा सिप्स, पल्लवों के सिप में, जहाज में, जो पानी के जहाज होते हैं, एंड हिज डिसेंडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी जो उत्तराधिकारी थी वे थे महाबलीपुरम के ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट, जिसकी उत्तराधिकारी इज, जो ये है मतलब अब रवि फ्लोरिस्ट, रवि ने थोड़ा और फालतू बताया, फ्लोरिशिंग करते हुए, हिज ट्विक, उस ट्विक को घुमाते हुए एक प्रकार से, एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ, एम पी पुन्नई हियर वूप इक, ऐसे आवाज कर रहे हैं, मतलब ये उनकी अपनी आवाज करने का तरीका है, ही श्रीक्ड, वह चीखा, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और बड़ा खुश था स्वयं, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर को देखा, अलार्म्ड भयभीत, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाज, वह अपने क्लाज को, पंजों को शार्पन, पहना कर रहा था, ऑन द एज, किनारों से, ऑफ द कोकोनट सेल, जो कोकोनट का जो खोल होता है, खोखा होता है, बट वोर्स, लेकिन और खराब हो गया, देन रवीज आफुल वुप इक, जो उसकी आवाज थी वुप इक की, वाज ए क्रीच, ये एक प्रकार की क्रीच थी, क्रीच मीन्स चीख, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, वट ए वियर्ड साउंड, कितनी वियर्ड, वियर्ड मीन्स अजीब साउंड, आवाज है, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु थी जो भौचक्का रह गई, एम पी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और एम पी पुन्नई भी अपनी बुद्धि से ऐसा लग रहा था भयभीत हो गई, हो गया, हेयर स्टैंडिंग, उसके बाल खड़े हो गए ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप, वह उछला, एंड स्क्रीड टुवार्ड्स ए बैम्बू, और स्क्रीड मीन्स भागना, दौड़ना, टुवार्ड्स ए बैम्बू ट्रे, एक बैम्बू ट्रे की तरफ गया, ऑफ रेड चिल्ली, जहाँ पे लाल मिर्चियाँ थी, दैट हैड बीन सेट आउट, जो बाहर रखी गई थी टू ड्राई, सुखाने के लिए, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू हाइड बीनीथ, छुपने के लिए, बीनीथ इट इसके नीचे, ही टिप्ड, वह गिर गया, टिप्ड मीन्स गिर जाना, ए फैल, ए फ्यू चिल्लीज, कुछ चिल्ली ओवर हिमसेल्फ, और उसने अपने ऊपर ही गिरा ली, फिर कुछ चिल्लीज, म्याऊं म्याऊं करने लगा, फिर ही आवल्ड, वह गुर्राया मिजरेबली, बड़ा दुखी होके, द क्रीचिंग, जो चीख थी, वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज दैट नॉइज, वह शोर क्या है, सैड मृदु, मृदु ने कहा, दैट इज लाली, वह लाली है, लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, वॉयलिन बजाना सीख रही है, ग्रंटिंग रवि, रवि ने करा के कहा गुर्राते हुए,
ग्रंट मीन्स गुर्राना या कराना। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी नहीं सीख पाएगी एक भी चीज़। द म्यूजिक मास्टर, जो म्यूजिक मास्टर है, जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हिजिंग, वह ऐसे बजाता है जैसे एक ट्रेन है जो सनसना रही हो, व्हिजिंग कर रही हो, ऑन एंड ऑन। वाइल, जबकि लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और लाली हमेशा डिरेलिंग करती है जैसे पटरी से उतर गई हो, गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, जैसे पूरे पटरी से ऑफ हो गई हो। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। तो इसे बार बार पढ़ें, वीडियो को देखें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।